अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों रमज़ान में समोसे पकोड़े खाने से कैंसर का ख़तरा। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। माहिर अमराज क्लब के मुताबिक सहरी और इफ्तारी में गैर ज़रूरी अशिया खाने से रोज़ेदार बीमार पड़ जाता है। समोसे पकोड़े कचौरियाँ नुकसानदेह हैं, इससे दिल के अमराज और आंतों का कैंसर का ख़तरा हो सकता है। फल और खजूरों के साथ खाना सेहत अफजा है। लोगों को पता चल जाए कि वो क्या खा रहे हैं तो घरों में गमलों और क्यारों में खालिस सब्जियां उगा कर इस्तेमाल करें। पाम ऑयल सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। दोस्तों वीडियो आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। 22-23 बरस के नौजवानों को हार्ट अटैक की वजह बाजारी खाने हैं। फूड अथॉरिटी मिलावट ज़्यादा एशिया पर नज़र रखे हैं। हुकूमत ऐसी अशिया तैयार करने वालों को सख्त सजा भी दें। घर की हांडी में चावल वाले चमचे से ज़्यादा तेल ना डालें। तरी या चिकनाई नज़र नहीं आनी चाहिए। मौसमी सब्जियां और फल इस्तेमाल करें। फूड एक्सपर्ट के मुताबिक पकौड़ों में इस्तेमाल होने वाला बेसन सस्ता और चने की दाल महंगी मिलती है। दोस्तों एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलें वीडियो दोबारा शुरू करते हैं। चूँकि वो खालिस चने की दाल से बल्कि कीड़े लगी वालों को पीस कर तैयार किया जाता है। इसमें मकई के दाने और मूंग की मुस्तरद दाल डाली जाती है, जिसमें जिस तेल में पकोड़े तले जाते हैं उसकी उम्र 8 घंटे होती है, जिसके बाद इसे ज़ाया कर देना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और मैं आपको मज़ीद ऐसी वीडियो बना के दूँ जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी और आपके फ़ायदेमंद होगी। हेल्थ इज़ द वेल्थ। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।